हेलो गाइस, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आपके लिए गार्डनिंग को सिंपल और इजी बनाकर बताऊंगी, जिससे ये हॉबी इंजॉयबल और रिलैक्सिंग बन जाए। तो गाइस, आप पूरी वीडियो जरूर देखें। प्लांट के अच्छे विकास के लिए कुछ जरूरी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, उनमें से अच्छी पॉटिंग मिट्टी का यूज करना भी इम्पोर्टेंट है। फिर अगला सवाल आता है कि अच्छी सॉइल मिक्स की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहले तो मिट्टी में अतिरिक्त पानी नहीं रुकना चाहिए, यानी मिट्टी वेल ड्रेन्ड हो। दूसरा, मिट्टी न्यूट्रिएंट से भरपूर हो। लास्ट, लंबे समय तक नमी बनाए रखता हो। जिस प्रकार पौधे को एक विशेष तरह के पर्यावरण मिलने पर उसकी ग्रोथ सबसे अच्छी होती है, वैसे ही हर पौधे को अलग अलग तरह की मिट्टी चाहिए होती है। पर हमारे लिए हर पौधे के लिए अलग मिट्टी बनाना नामुमकिन है, इसलिए आज हम बेस्ट पॉसिबल पॉटिंग सॉइल मिक्स बनाना सीखेंगे जो करीब करीब हर प्लांट के लिए सही हो। तो आइए फिर शुरू करें हम लोग। सबसे पहले साधारण मिट्टी जो रहेगी 40%, दूसरा वर्मी कंपोस्ट करीब 25%, तीसरा कोकोपीट ये भी करीब 25%, और आखिरी में बचे हुए 10% में दो मुट्ठी नीम खली, एक से दो मुट्ठी बोन मिल या ब्लड मिल और एक से दो चम्मच एप्सम सॉल्ट। सभी आवश्यक सामग्रियों को इकट्ठा करके हम मिक्सिंग स्टार्ट करेंगे। जब तक मिट्टी मिक्स होती है, तब तक हम जान लेते हैं जो सामान हमने इस्तेमाल किया है उसका क्या इम्पोर्टेंस है। आप किसी भी प्रकार की मिट्टी जो आपके एरिया में आसानी से उपलब्ध हो वो यूज कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट धीरे धीरे मिट्टी में पोषक तत्व रिलीज करता है, से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की आपूर्ति होती रहेगी। वर्मी कंपोस्ट 1 से 50 किलो के पैकेज में आता है, जो करीब 10 रुपए पर केजी का पड़ता है। कोकोपीट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पॉटिंग मिक्स के मिट्टी में नमी बनाए रखता है, जड़ों का बेहतर विकास के लिए हवा का संचार करता है और जल निकासी में भी सुधार करता है। कोकोपीट अपने वजन से लगभग 7 से 8 गुना अधिक पानी अब्जॉर्ब कर सकता है, इसीलिए इसकी थोड़ी सी मात्रा भारी मिट्टी की जगह ले सकती है। कोकोपीट 5 किलो ब्लॉक की कीमत लगभग 250 रुपये है। नीम खली एक प्राकृतिक फंगिसाइड है। नीम खली लगभग 40 रुपये से 60 रुपये पर केजी मिल जाता है। बोन मिल मिट्टी में फास्फोरस और कैल्शियम इंक्रीज करता है, इसकी कीमत लगभग 80 से 100 रुपये पर केजी है। अगर आप जानवरों के हड्डियों से बने उर्वरक का प्रयोग नहीं करना चाहते तो आप रॉक फास्फोरस का प्रयोग कर सकते हैं, जो सस्ता और आसानी से मार्केट में उपलब्ध है। एप्सम सॉल्ट, जिसे हम मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से जानते हैं, वो बीजों को अंकुरित होने में मदद करता है, पौधों को घना बनाता है, अधिक फूल पैदा करता है और क्लोरोफिल उत्पादन बढ़ाता है। सही पॉटिंग मिट्टी ना उपयोग करने का नुकसान क्या होता है और पौधों के विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है वो हम जानेंगे अगले वीडियो में, जिसके लिए ये मिट्टी मैंने तैयार की है और उसका उपयोग उस पौधे के लिए मैं करूँगी। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें। गार्डनिंग संबंधी और टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।